हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्निल। आज मैं आपको रेडिट से ली गई दो स्किन वॉकर्स की डरावनी कहानियां सुनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानियों को सुन के ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगी। वीडियो को पूरा एंड तक सुनिएगा, तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानियां। मैं एक फार्म में फार्म हेल्पर के रूप में काम करता हूं। ये फार्म एक नेटिव अमेरिकन रिजर्व के बहुत करीब है। हमें काम बहुत होता है, पर ये ईमानदारी और मेहनत की कमाई है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं भी हुई है, पर हर बार पास के रिजर्व के मेडिसिन मैन आके मुझे ब्लेस करके जाते हैं। जिनको नहीं पता, मेडिसिन मैन नेटिव अमेरिकन ट्राइब के ओझा या तांत्रिक जैसे व्यक्ति को कहा जाता है। अभी पैंडेमिक चल रहा है, पर हमारे काम में तो कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि कोविड हो या ना हो, लोगों को भूख तो लगती ही है। मैं जिस फार्म में काम करता हूँ वो चारों तरफ दूसरे फार्म से घिरा हुआ है। कुछ इंडिपेंडेंट फार्म्स है, कुछ बड़ी कंपनियों के हैं और कुछ नेटिव अमेरिकन रिजर्व के फार्म्स है। तो हमारे इस एरिया में कुल मिला के बहुत सारे फार्म्स है और बहुत सारे लोग भी काम करते हैं। आज से 5 महीने पहले पैंडेमिक के ही दौरान मेरे एक कलीग ने मुझे रात को कहा कि उसे पास वाले फार्म से बहुत चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और मैं याद दिला दूं, उस वक्त रात के 2 बज रहे थे, तो किसी भी फार्म पे किसी तरह का भी कोई काम चल रहा हो ये मुमकिन नहीं था। अगले दिन सुबह हमने देखा पास वाले फार्म पे पुलिस आई हुई थी। तब हमें पता चला कि उस फार्म पे काम करने वाला एक लड़का कल रात गायब हो गया है। फिर हमने सुना उसी हफ्ते ऐसी 2 और घटनाएं हुई अलग अलग फार्म्स पे। तब तक लोगों ने बहुत सी बातें करनी शुरू कर दी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये शायद किसी सीरियल किलर का काम है, कुछ लोग कह रहे थे शायद ये किसी वेंडिगो का काम है, पर किसी को कुछ ठीक से पता नहीं था। एक रात मैं सो रहा था, तभी मुझे बाहर से आवाज आई जैसे कुछ खेतों में बहुत तेजी से दौड़ रहा है। भले ही रात को हमारे फार्म पे एक गार्ड रहता है, मगर रात को कभी कभी उसकी आंख भी लग जाती है। मैंने सोचा उठ के बाहर देखना सही रहेगा, कहीं कोई जानवर तो नहीं जो फसल को नुकसान पहुंचाए। अपनी टॉर्च उठा के मैं बाहर आ गया। मैंने देखा थोड़ा आगे खेतों में कोई आदमी खड़ा था, तो मुझे लगा ये जरूर हमारे गार्ड ही होंगे, तो मैंने आवाज लगाई। पीटर, क्या तुमने किसी तरह की आवाज सुनी? मुझे आवाज आई जैसे कोई खेतों में बहुत तेजी से दौड़ रहा है। पीटर, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? पीटर ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई और मैं उसकी तरफ आगे बढ़ा और मैंने फिर से कहा, पीटर तुम ठीक तो हो ना? और टॉर्च को उसके चेहरे की तरफ किया। तभी वो पीछे घुमा और जोर से गुर्राया और एक ही सेकंड में जैसे उसने अपना रूप बदल लिया और किसी वुल्फ में अपना रूप बदल के वहां से छलांग लगा के जोर से भाग गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ 1 या 2 सेकंड में कि मुझे कुछ कहने या करने का मौका तक नहीं मिला। मैं वहां खड़ा होके ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि ये सब क्या हुआ, तभी मुझे किसी की दर्द से चिल्लाने की आवाज आई। मैंने अपनी होश संभाली और उस आवाज की तरफ गया और वहां मैंने क्या देखा, मैंने देखा वहां पीटर पड़ा हुआ, उसके हाथों से खून निकल रहा था। उसके हाथ ऐसे थे जैसे किसी ने उसे काटने या खाने की कोशिश की है। मैंने पीटर को उठाया और फार्म के कुछ और एम्प्लॉयज के साथ उसे हॉस्पिटल लेके चला गया। अगले दिन इस बात को जानकर पास के नेटिव अमेरिकन रिजर्व से 2 मेडिसिन मैन आए। उन्होंने कुछ ब्लेसिंग्स की और ये बताया कि इस पूरे इलाके में एक स्किन वॉकर का आतंक था और इसी ने इसके पहले भी कुछ लोगों को गायब किया था। उन्होंने कहा कि पीटर बहुत खुशकिस्मत है कि मैंने उसे देख लिया, वरना आज पीटर भी गायब हो जाता। उस दिन मेडिसिन मैन की ब्लेसिंग्स के बाद पूरे इलाके में ऐसी और एक भी घटना नहीं हुई है। आज इस वाकये को 5 महीने हो चले हैं।
सब लोग बहुत खुश तो हैं, मगर हम सब के दिल में आज भी एक डर है, कहीं वो स्किन वॉकर लौट ना आए। आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम शॉन है और एक बार मेरा एक स्किन वॉकर से सामना हो गया था और आज मैं आप सबके साथ वो कहानी शेयर करना चाहता हूं। मैं एक लकड़ी की कंपनी में काम करता हूं और मेरा काम यह है कि मैं जंगल में जाके ढूंढता हूं कि हमारी कंपनी के हिसाब की लकड़ी कहां मिलेगी। फिर उस एरिया के बारे में जाके मैं अपनी कंपनी में बताता हूं और हमारी कंपनी वहां पे पेड़ काटने का काम शुरू कर देती है। ये काम नए साइट और अच्छी लकड़ी ढूंढने का है। आज से 6 महीने पहले जब लॉकडाउन चल रहा था, तब मैं जंगल पे एक बार 4 दिन की रेकी पे गया था नई साइट ढूंढने। 2 दिन तो बहुत अच्छे से गुजरे और मैंने कुछ साइट्स भी ढूंढ निकाली थी जहां हमारी कंपनी काम शुरू कर सकती है। 3रे दिन का काम खत्म करके शाम को मैं अपनी कार की तरफ जा रहा था। मैं अभी अपने कार से लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा जब मुझे अचानक एक आवाज सुनाई दी। शॉन, बेबी शॉन, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ये आवाज मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी और इसे सुनते ही मैं पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि ये आवाज तो मेरी बीवी की थी और वो इस वक्त यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर अपने घर में होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसकी आवाज और ये शब्द मुझे लगातार सुनाई दे रहे थे। बेबी शॉन, प्लीज मेरी मदद कर दो। बेबी शॉन, प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं इतना डर गया था कि बस भूत बन के खड़ा था और चारों तरफ देखने लगा। तभी मैंने देखा कि मेरे बाएं तरफ की झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही थी, जैसे कोई चल के आगे की तरफ आ रहा हो। देखते ही देखते झाड़ियों से एक हिरन बाहर आता है। ये हिरन तो था, पर ये 4 की जगह पीछे के 2 पैरों पे खड़ा था, जैसे किसी इंसान की तरह। इसके शरीर पे कोई बाल भी नहीं थे और ऐसे लग रहा था कि अगर कोई मरा हुआ हिरन अगर अचानक खड़ा हो जाए तो वो कैसे दिखे, ये बिल्कुल उसी तरह दिख रहा था। उसने मुझे फिर से कहा, शॉन, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। पता नहीं मुझे क्या हुआ, पर अचानक मेरे अंदर बहुत जोश आ गया और मैं तेजी से भागने लगा। मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी में इतना तेज नहीं भागा होगा जितना उस दिन भागा था। मैं भागता रहा और मुझे उसके मेरा पीछा करने की आवाज आ रही थी, मगर थोड़ी देर बाद वो आवाज बंद हो गई। फिर भी मैं रुका नहीं और भागते भागते सीधा अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। जब मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने गाड़ी चालू की और सीधा वहां से निकल गया। मैंने ऑफिस में ये बात किसी को नहीं बताई, ये सोच के कि शायद कोई मेरा भरोसा नहीं करेगा, पर ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। पिछले कुछ दिनों में हमारी कंपनी के 4 लोग उस इलाके से गायब हो चुके हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये उसी स्किन वॉकर का काम है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शॉन के कंपनी के लोगों के गायब होने के पीछे एक स्किन वॉकर का हाथ है, या फिर कहीं शॉन उस शाम बहुत थका हुआ था इसीलिए उसने कुछ गलत सुना या देखा होगा, जैसे कोई हेलुसिनेशन हो? हम कभी इस बात को दावे के साथ नहीं कह पाएंगे कि उस शाम शॉन ने क्या देखा था, पर अगर हम शॉन की माने तो उस जंगल में आज भी एक स्किन वॉकर है जो अपने अगले शिकार की तलाश कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी कहानी को अपनी आवाज दूं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी जरूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्निल, और आप चाहे तो वहां पर भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि हर बार जब मैं अपनी नई वीडियो डालूं तो आपको सूचना जरूर मिले। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।